भारत में साल 1980 से साल 2017 तक 278 बार बाढ़ आई है और इससे 750 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में हर साल बाढ़ आती है और हर साल हजारों लोगों के घर, स्कूल, बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फसल सब कुछ तबाह हो जाते हैं और इन्हें दोबारा बनाने में काफी पैसे खर्च होते हैं। भारत का करीब 12.5% हिस्सा हर साल बाढ़ का सामना करता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में बाढ़ से होने वाली कुल मौतों में 20% अकेले भारत में होती है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में हर साल इतनी भयंकर बाढ़ आती क्यों है, इससे देश को कितना नुकसान होता है और सरकार बाढ़ रोकने के लिए क्या करती है। भारत में बाढ़ आने के दो मेजर फैक्टर है, क्लाइमेट और ह्यूमन। पहले बात करते हैं क्लाइमेट की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इस कारण यहाँ 3 से 4 महीने तक लगातार बारिश होती है, नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता है और बाढ़ आ जाती है। पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से तेज बारिश होती है और बाढ़ भूस्खलन के साथ ही भयावह रूप ले लेता है। ग्लोबल वार्मिंग भी इसका एक बड़ा रीजन है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बाढ़ की संख्या तेजी से बढ़ी है। दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने से नदियों में काफी ज्यादा गंदगी डाली जा रही है, इससे नदियों में गाद जमा होता है और पानी का प्रवाह रुकने लगता है और जब बारिश के मौसम में अचानक पानी बढ़ता है तो बाढ़ आ जाती है। ऐसे ही पेड़ों की कटाई भी बाढ़ आने का एक बड़ा रीजन है। हम बांध बनाते हैं, काफी अमाउंट में पानी कलेक्ट कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा होने पर एक साथ ये पानी छोड़ना पड़ता है या फिर बांध टूट जाता है तो पानी एक साथ नदी और नहर तक पहुंचाता है, इससे बहुत तबाही होती है। अब बात करते हैं हर साल आने वाले इन भयावह बाढ़ से देश को कितना नुकसान होता है। हजारों घर तबाह हो जाते हैं, लाखों हेक्टेयर फसल तबाह हो जाती है, पुल, रेल, पावर हाउस, सड़क, ये सब तबाह हो जाते हैं। डेंगू, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती है, सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को दोबारा बनाने में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट बताती है कि भारत में पिछले 64 साल में 107,487 लोगों की मौत बाढ़ या उससे हुए हादसों में हुई है। इतना ही नहीं, साल 1953 से 2017 के बीच बाढ़ से देश को 3,65,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो GDP का 3% बताया जाता है। गरीबी से जूझते देश में हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान। ऐसे में बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार मैनग्रोव्स यानी कि पेड़ पौधे लगाती है, क्लाइमेट सेंटर को अपडेट करती है ताकि बाढ़ की पहले से जानकारी मिल सके, बाढ़ से बचाव करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार करती है, पानी निकासी के लिए नालियां या दूसरी चीजें तैयार करती है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भारत में हर साल बाढ़ आती है, हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं और हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। लोगों के बिजनेस या घर बार सब कुछ तबाह हो जाते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेज बढ़ाने वाले एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।